அருளிகடையிலே மலை சொசை சொசை. ஓகே ஓகே, சொல்லு சொல்லு கைஸ் சொல்லு. बना पाखा बरखानी चारी कतई बरी अपुक यो को गरी पान को पत माया तिमलाई समझन्छु दिन को रात मशंद दिशा ला ला. बना पाखा बरखानी चारी कतई बरी आई पुगियो के गारी पान को पत माया तिमलाई समझन्छु दिन को रात मर्शंग दिशा ला ला. से मैं सोते छाओ चल चल आर आर सोते छाओ. बान को घर आशी ना पनी लाई बस ना खाना वही ना हमी लाई पान को पत माया तिमी लाई समझन चुदन को रात मर्शंग दिशा ला ला. बान को घर ये क्या था मतलब गाते गाते इतने कॉन्फिडेंट कहाँ से आ जाए मोटर वो भी अब तो शक्ल दिखा गया पहले तो नका पहन देते थे मतलब अब तो शक्ल दिखा के भी इतने कॉन्फिडेंट है वाओ ये चीज मुझे तुम्हें मतलब अच्छा लग गया पहले तो सही यार नका पहन के भी मतलब ऐसी गाती थी सही है शक्ल नहीं दिखती यार अब तो मतलब यार बिना नका पहन के मतलब शक्ल ऑन द स्पॉट दिखा के भी मतलब वाह भाई यार इतने कॉन्फिडेंट ये तो मतलब मानना पड़ेगी गाइस यार इसके लिए तो एप्रिसिएशन होना चाहिए यार मतलब जो आरन है ना आरन पहले क्या करता था पता है मतलब बहुत छोटे थे ठीक है हम ओके तो ये आरन आदिक रासपिन जो है कुसुम है ठीक है तो मतलब गांव में थे ना पहले बहुत ओके तो ये लोग क्या करते थे जो मतलब हमारे दादी की जो खेत है आगे की वो पूरा मतलब बहुत दूर तक दादी की खेत ठीक है और तो बस दादी मतलब काम दी थी दूसरे को कि उधर खेत में वो पौधा वौधा लगा देना तो सीजन होती वो भी धान लगाने के लिए ठीक है तो जब मैच के सीजन होते लगाने के उधर तो मैच तो बड़े बड़े होते और कुछ भी नहीं दिखते मैच के बीच में तो ये लोग मतलब बीच बीच में अंदर जाके बीच में जाके उधर कर देते थे टॉयलेट और कभी कभार मतलब आरन को तो सांप ने भी डसा है पीछे सांप ने डस दिया तभी वो बेचारे सो गया. और पता है तुम्हें मतलब एक पत्ती शिष्णु पता है शिष्णु 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 यानी कि जो एक मतलब पत्ती होती है जो मतलब छूते इतना वो जलन होती है उससे. अच्छा तो फिर नहीं पता शिष्णु अभी तक नहीं शिष्णु को क्या बोलते हैं इंग्लिश या हिंदी में कैक्टस 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 नहीं मोटू फिर शिष्णु को क्या बोलते हैं गाइस वो एक पत्ती होती है ठीक है मतलब पेड़ जैसी होती है ठीक है लीफ तो वो लीफ से मतलब इधर कुछ छूते इतना जलन होती है तुम मतलब इतना पावर हो जाओगी उससे अगर टच हो गई तो वो भी काटा उसने उसको मतलब एक बार वो टट्टी करने ले गया था तो वो उसको लगा पत्ती के ऊपर बैठ रहा है वो तो शिष्णु के ऊपर बैठ गया उसके बाद जब वो पेंट पहना तो पेंट ही टाइट हो गई क्यों सुन गई ना ये इसलिए ऐसा बोल रहा क्योंकि वो बाहर हमारी लाइव देख रहा है क्या मस्त जोक मारता हूँ ना ये कौन है मिंट बोले मिंट नहीं बोलते गाइस इसको मुझे आप लोग की आप जमीन वमीन नहीं चाहिए ठीक है मेरे नाम बात करो जो बोले थे ना जमीन वमीन दूंगा मुझे अब वो जमीन वमीन वो कुछ भी नहीं चाहिए गाइस हो गई बस प्यारी चाहिए थी अब वो भी नहीं मिल रही सही है गाइस मेरे से का सारा प्यार इसको दे दो मुझे बस ये चाहिए कितना फेंको ना तुम नहीं मैं सच बोल रही हूँ एक छिपा दे दो नहीं चलिए मतलब मोटू अब मतलब जो अब दृष्टि गाना निकालूंगा ना मैं तो इसमें तुम्हारी शकल होगी मुझे लोगे हाँ तो अब क्या हो गई एक ही नहीं गाइस क्या बोलते हैं आप लोग पुल लगाते पुल ठीक है पुल पुल बोलते हैं पोल बोलते हैं मैं आज अपने व्लॉग में यही बात बोली थी बिकॉज मैं बाहर अकेले घूम रही थी ना तो मैं वहां वहां से गुजर रही थी जहाँ हम लोग अपना वो किया ना तो मैं इनसे ये बोली थी आयुष को एक सॉन्ग बनाना चाहिए क्या है मोटू ये टोटल कॉइन्स पता नहीं क्या छोड़ गए नहीं ओह वो ट्रेजर बॉक्स होगा शायद ट्रेजर बॉक्स किसने बोला है आपने खोला है ये पता नहीं ट्रेजर बॉक्स है छोड़ छोड़ तो पैसे नहीं भी पुक्का हो गया मैं अब सही ना मतलब लगाने के लिए इंटरेक्ट ये रही ना हाँ 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 ओके ओके क्विक पुल ओके गाइस क्विक पुल ओके हंसने वाले इमोजी केरे साथ में म्यूजिक मतलब हमारी नेक्स्ट सॉन्ग साथ में विद फेस एंड ऑल और बड़ी सी मतलब एक प्रोजेक्ट और रोने वाले इमोजी नहीं नहीं मत लो एलिजे को किसी और को लो बस अकेले करो तुम ही हीरो
हंसने वाली या रोने वाली बोलिए. लो लो लो. हंसने वाली या रोने वाली. हंसने वाली मतलब साथ में करो म्यूजिक वीडियो चाहिए हमें साथ की विद फेस बड़े ऐसी स्टोरी की टाइप. और रोने वाली जो जो मतलब कर रहे हो ना देखो गाइस इससे प्रूव होती है कि हमारे लाइफ में कितने हेटर्स पिटते हैं. ठीक है मैं मतलब बस ये तो आप देखो किसी मुझे राय तो चाहिए नहीं कि मैं अपनी बीबी को रखूं या नहीं रखूं पर मैं बस यही ट्राई कर रहा था कि इधर कौन रोएगा. देख रहा हूँ देख रहा हूँ तो इतने लोग देखो इधर जलन आरिस रिस करके इधर बैठे अभी भी. ठीक है देखने लिए कि इस जगह फेस में फिल्टर पेन आया अल जी के फेस में फिल्टर पेन आया नहीं. अगर फिल्टर पेन आएगी तो मतलब जब वो कोई लड़के होते ना इधर कि मतलब वो इधर इधर नंबर दिखाने वाले क्या फिल्टर मोटू क्या बोलते उसकी मूवी फिल्टर ना मूवी फिल्टर पेन आया नहीं इधर उधर देख रहे होंगे ना कुछ कुछ में कुछ फिल्टर नहीं है शी इज पीटीएस गर्ल ऐसे ही. और वो अपने मतलब इतना ही वो नहीं है कि कमेंट करके कि खुद की शक्ल में कि नकाब खोले वो 2 साल तक मतलब छुपा के रहेगी थी अपनी खूबसूरती. इतना यार हेटर्स पागल यहाँ से बोलते कि मत खिलाओ मत खिलाओ. क्यों नहीं खिलाऊँ उसको नहीं खिलाऊंगा कि तुम्हें खिलाऊंगा या आरन को खिलाऊंगा लेके. वो कहाँ से आया बेचारा. वही वीक करा दूंगा ना. वैसे आरन को ले सकते हैं वो कि उसमें एक हीरो जैसा आता हीरो नहीं लाइक ओके ही लुक्स लाइक वो साउंड इन गुंडा ऐसा लगता है. गुंडा मेन गुंडा भी नहीं जो मतलब गुंडा मारो इसको बोलता है जब पीछे से दौड़ के आता ना वो वाला गुंडा लगता है. ना गाइस आरन जो आरन को तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा और इसको मैंने जब भी मतलब ब्लॉग में देखा ठीक है कल के ब्लॉग में देखा ठीक है जब मैंने इसको 3-4 बार देखा ठीक है ब्लॉग में तो वो बोलता है जब भी देखा तो बस देखता है हेलो करता है खत्म फिर भी देखता हूँ हेलो करता है. अरे कितना वाला हेलो है आरन जो है ना उसका फेस जो है ना ऐसा लगता है दैट ही इज वेरी रूड और ना अगर उससे हाय बोलोगे तो पकड़ के मार नो पकड़ के मारेगा एंड ऑल. लेकिन जब उससे बात करके आओ ही इज वेरी स्वीट कुछ लोगों की शक्ल ऐसी देखते बिना कुछ काम करते हुए देखते गुस्सा आ जाती है तो आरन भाई ऐसा नहीं है बता दो उनको पता है आरन का. हाँ बताए सबको कि वो चोर है. बता के यार. आज हमारे घर में ना वो मतलब हमसे होटल में मिलने वो भी आए थे दो कौन अर्जुन से अर्जुन से भी आए थे गाइस हमारे होटल में मिलने के लिए हमें मतलब इधर केक काटने की सेरेमनी में. पता नहीं आज कहाँ से फ्री टाइम मिल गई पर वो आके फिर तो और वो डोंट सर जिम को तो गाइस यार कार्तिक लग गया यार कार्तिक वो क्या होता है कार्तिक मतलब होती है उनकी बर्थडे की मतलब बहुत कार्तिक लग रही है पता नहीं क्यों वो दोनों को आजकल और इसलिए मैं मतलब बहुत ही उन लोगों को उसमें रखता हूँ अभी. कार्तिक क्या है क्या कार्तिक क्या है वो होती है उनकी मतलब एक प्रोग्राम प्रोग्राम मतलब मंथ है नेपाली मंथ जैसे कि जनवरी फरवरी वैसे कार्तिक भी होती है तो कार्तिक आर्यन का मतलब ये है कार्तिक आर्यन तुम कार्तिक आर्यन नहीं जानते पागल उसका बात नहीं कर रहा मैं एक मंथ की बात कर रहा हूँ